नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लेकर हाजिर है आपका अपना शो खबरों का एक्सरे, ऐसा शो जिसमें आप जानते हैं खबरों को विस्तार से, जिसमें आप जाते हैं खबरों की गहराई तक। इस शो में हम खोलते हैं खबर की परत दर परत, वो खबरें जो आपसे जुड़ी हुई हैं और आपके लिए हैं बेहद जरूरी, लेकिन दिन भर की भागदौड़ में आपसे गई हैं छूट। ऐसी खबरों को तमाम खबरों के बीच से हम चुनकर लाते हैं और करते हैं खबरों का एक्सरे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं खबरों का एक्सरे। तो चलिए अब आपको बताते हैं वो खबरें जो हम आपके लिए चुनकर लाए हैं और उनका हम एक्सरे करेंगे। पहली खबर, एमपी में नई शिक्षा नीति लागू, इसका एक्सरे करेंगे हम। दूसरी खबर, पानी में गए जनता के पैसे, इसका हम एक्सरे करेंगे। और अंगदान कर बचाएं लोगों की जिंदगी, क्या है खबर ये हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब शुरू करेंगे अपनी पहली खबर से, और पहली खबर क्या है ये आपको बता देते हैं। खबर ये है कि अब मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन चुका है जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई, जिसके लागू होने के बाद स्टूडेंट अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट चुन सकेंगे। वहीं इस नीति को लागू करने के बाद राज्य के सभी कॉलेज में नए डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। तो आज हम इस खबर का एक्सरे करेंगे और आपको इस खबर की एक एक डिटेल से अवगत कराएंगे। इसी सत्र से भारत सरकार द्वारा घोषित उच्च शिक्षा विभाग की नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य ये बनने को तैयार है। जब हमारे अपने इस वर्ष के स्नातक स्तर के सभी महाविद्यालयों में नए सिरे से प्रवेश अगर हम दे रहे हैं तो ये नई शिक्षा नीति के उस परिप्रेक्ष्य में होंगे जिसके लिए भारत सरकार ने वो शिक्षा नीति पूरे देश के लिए लागू की गई थी। तो अब मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जहां नई शिक्षा नीति लागू की गई है। कैसे लागू होती है नई नीति, ये आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष के लिए नीति के प्रावधानों को लागू किया जाएगा, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए। नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। जी हाँ, इस नीति को लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। सांसद और विधायक भी भोज विश्वविद्यालय की के जरिए कॉलेज की पढ़ाई कर सकेंगे। तो भोज विश्वविद्यालय के जरिए अब सांसद और विधायक भी पढ़ाई कर सकेंगे। कॉलेज में 177 डिप्लोमा और 282 सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स को वैकल्पिक सब्जेक्ट चुनने का मौका भी मिलेगा, यानी कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप चुन सकते हैं, ये मौका भी है। फायदे, ये जो नई शिक्षा नीति है ये क्यों इतनी अच्छी है, इसके क्या क्या फायदे हैं ये भी आपको बताते हैं। सरकारी एवं प्राइवेट कॉलेज कम से कम एक गांव गोद लेंगे, तो सोचिए एक गांव अगर ये गोद लेंगे तो कितना कितने लोगों तक शिक्षा पहुंचेगी। प्रदेश में करीब 1500 गांव गोद लिए जाएंगे, तो आप अंदाजा लगाइए शिक्षा का विस्तार होगा। गाँव में रह रहे बच्चे भी कर पाएंगे अच्छी पढ़ाई, उन बच्चों तक अच्छी पढ़ाई पहुंचेगी जो गाँव में रहते हैं, जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जिन तक अब तक अच्छी पढ़ाई की सुविधा नहीं पहुंच पाई। इसके अलावा गाँव में बैठे छात्र एग्जाम भी दे सकेंगे गाँव में बैठे छात्र, और हर आयु वर्ग के लोग कर सकेंगे डिस्टेंस लर्निंग, तो डिस्टेंस लर्निंग भी कर सकेंगे। तो ये सब फायदे होंगे इस नई शिक्षा नीति लागू होने की। राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला प्रदेश बना मध्य प्रदेश। देखिए बिल्कुल श्रद्धा, और इस नई नीति की हम एक्सरे की बात करें तो मध्य प्रदेश पहला शहर तो बन ही चुका है, हालांकि हम नई शिक्षा नीति की बात करें पूरे देश के लिए ये नीति लागू की गई है। और मध्य प्रदेश में जो नीति लागू कर दी गई है, हम उसके एक्सरे की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो कि शिक्षा से अब तक दूर रहे हैं उन तक सरल तरीके से शिक्षा पहुंच सके, इस पर अधिक फोकस किया है। देखिए इसके क्राइटेरिया की बात करें, दो बड़े क्राइटेरिया हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा में बाधा बनते हैं। एक तो यह है कि उम्र का दायरा, ऐसे लोग
जो अब तक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं, पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, और एक वो जो जिन तक शिक्षा बहुत दूर है। इन दोनों ही मामलों में बड़ी सरल तरीके से इसमें इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। पहले हम उम्र की बात करें, उम्र के दायरे की बात करें, जो अब तक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं, तो जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और अभी वर्तमान में हम मध्य प्रदेश में बात करें तो चाहे सरकारी कॉलेज हों, प्राइवेट कॉलेज हों, उम्र का एक दायरा है, एक दायरे तक ही उम्र के दायरे तक ही लोग पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है उसमें अब 134 अलग से सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। ये जो सेंटर्स हैं ये भोज यूनिवर्सिटी है उसके जरिए रहेंगे, यानी किसी भी उम्र में आप किसी भी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकेंगे, घर बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। ये सांसद विधायक भी पढ़ाई कर सकते हैं राकेश, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें निकल कर आया है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कि सांसद विधायक भी अब भोज विश्वविद्यालय से इसमें पढ़ाई कर पाएंगे। देखिए बिल्कुल श्रद्धा, दरअसल हम सांसद विधायकों की बात करें तो जो सांसद और विधायक होते हैं अक्सर ये होता है कि उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है, 50 साल 60 साल ऐसी उम्र में जो है कई लोगों को मौका मिलता है। और जिस तरह से इसमें जो उम्र का बंधन जो है हटा दिया गया है, यानी जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वर्तमान में जो मंत्री भी हैं, उनकी उम्र 50 पार हो चुकी है, 60 पार हो चुकी है, तो उनको भी इस नीति में पढ़ाई का मौका दिया जाएगा। यानी उम्र का बंधन नहीं रहेगा, उनके साथ ये कंडीशन नहीं होगी कि उनको कॉलेज पहुँचना है, उनके साथ ये कंडीशन नहीं होगी कि उनको स्कूल पहुँचना है, बस जब एग्ज़ाम होगा उस दौरान उनको ज़रूर परीक्षा देना होगी। तो ये सबसे बड़ी जो उम्र का बंधन की बात है तो इसमें हटा दिया गया है, मध्य प्रदेश में अब हर कोई पढ़ाई कर सकेगा, ये शिक्षा नीति की खासियत है। भाई हम दूसरी और एक और खासियत राकेश, एक और खासियत वो ये इलाके हैं कि उम्र की कोई पाबंदी नहीं है, उम्र की कोई सीमा नहीं है, आप किसी भी उम्र में पढ़ाई कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग आप कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा फायदा है इस नई शिक्षा नीति का। देखिए सीधे तौर पर ये जो उम्र का जो क्राइटेरिया का बंधन नहीं है, अब वो सांसद हो, विधायक हो, आप बुजुर्ग हो, कोई भी पढ़ाई कर सकता है, ये इसकी खासियत रहेगी। इसके लिए 134 सेंटर्स हैं मध्य प्रदेश में, अलग अलग इलाकों में खोले जाएंगे। भाई हम दूसरी ये बात करें, जो मध्य प्रदेश में अभी एक ऐसा वर्ग है जो अभी तक शहरी सीमा तक नहीं पहुँच पाया है, जो कॉलेज हैं वो कॉलेज ग्रामीण इलाकों तक नहीं पहुँच पाए हैं, तो दूसरी ओर जो डिस्टेंसिंग पढ़ाई का है इसमें अधिक फोकस किया गया है, और वो लोग जो कॉलेज नहीं आ सकते हैं, स्कूल नहीं आ सकते हैं, जिलों तक नहीं पहुंच सकते हैं, तहसीलों तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनके लिए भी पढ़ाई का इसमें नई नीति में मौका पर जोर दिया गया है। और ऐसे जो लोग हैं वो डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाई कर सकेंगे, अपने ओपन स्कूल के जरिए पढ़ाई कर सकेंगे, जो पूरा फोकस है इसके लिए, इस पर अधिक फोकस किया गया। यानी राकेश शायद अब कहा जा सकता है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो अब जो ये नई नीति है, क्योंकि हम बरसों से राकेश एक ही ढर्रे में पढ़ाई करते आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, किताबों का बोझ बच्चों पर, तो अब शायद उससे बाहर निकलेंगे और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे बच्चे भी, और जो मैंने कहा उम्र की सीमा ना हो। और उससे फ़ायदा राकेश ये होगा कि खेल खेल में भी लोग पढ़ाई कर लेंगे और बच्चों का भी इंटरेस्ट रहेगा पढ़ाई में। देखिए बिल्कुल, जो खेल खेल में पढ़ाई है, जाहिर तौर पर जब बाध्यता नहीं रहेगी कि आपको स्कूल ही आना है, तो जो ग्रामीण इलाकों के खास तौर पर ऐसे इलाके जहाँ पर कि अभी भी सड़कें नहीं हैं, कई ऐसे इलाके गांव हैं मध्य प्रदेश में, वो बच्चे भी पढ़ाई कर सकेंगे। उनको घर पे पढ़ाई करना होगी और सिर्फ परीक्षा देने उन्हें वहाँ तक आना होगा, तो ये कुछ खासियत है। देखिए इसके साथ ही ऑप्शन भी दिया गया है कि जिस तरह से आपने ढर्रे की बात कही है, यदि आपको BSc करना है तो आपको चुनिंदा ही विषय हैं, यदि आपको BCom करना है तो चुनिंदा ही विषय हैं, लेकिन जो डिप्लोमा कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं, जो सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं, इसमें रुचि होगी कि वो साइंस के साथ कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहता है, वो कॉमर्स के साथ अपना कौन सा चुनिंदा विषय लेना चाहता है, वो मैथ के साथ अपना कौन सा चुनिंदा विषय लेना चाहता है, तो इसमें भी ऑप्शन दिए गए। यानी कहीं ना कहीं जो शिक्षा का जो विस्तार है, जो सब्जेक्ट्स का विस्तार है कि साइंस के साथ कॉमर्स की पढ़ाई नहीं कर सकते, कॉमर्स के साथ गणित की पढ़ाई नहीं कर सकते, ये जो बंधन था, इन बंधन से भी इसमें मुक्ति रहेगी। और ऐसे कई डिप्लोमा कोर्सेस हैं, कई सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं जो इस बार से मध्य प्रदेश में लागू कर दिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पूरा फोकस इस बात को लेकर किया जा रहा है कि शिक्षा है,
हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर वर्ग तक पहुंचे और इसमें किसी विषय का बंधन ना रहे। ये तीन जो बड़े इम्प्लीमेंटेशन है इस नई शिक्षा नीति के तहत मध्य प्रदेश में लागू किए गए हैं। हालांकि अभी तक इनको सभी लोगों तक बिल्कुल, और मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है तो अब ये उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के लोगों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी, नई शिक्षा नीति के मुताबिक पढ़ाई मिलेगी। गाँव में दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर अच्छी पढ़ाई मिलेगी और वहाँ पर वहाँ का जो बच्चा है चाहे युवा है वो अच्छी पढ़ाई करके आगे बढ़ेगा। तो अब शायद कहा जा सकता है कि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये हमारी पहली खबर जिसमें हमने बताया कि मध्य प्रदेश पहला राज्य जहां पर नई शिक्षा नीति लागू की गई है, तो मध्य प्रदेश वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर। आगे बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर, और खबर क्या है सबसे पहले वो बताएंगे। संसद में इस बार का मानसून सत्र हंगामों से भरा हुआ रहा, 19 दिन चला ये सेशन। इस सेशन लोकसभा का सबसे कम प्रोडक्टिव सेशन रहा। इस पूरे मानसून सत्र में सदन की कार्यवाही कुल मिलाकर 21 घंटे चली। वहीं साल 2016 के बाद ये सत्र लोकसभा का सबसे कम प्रोडक्टिविटी वाला सत्र रहा, जिसमें 76 घंटे से ज़्यादा वक्त हंगामे की भेंट चढ़ गया। अगर बात राज्यसभा की करें तो वहाँ भी आलम कुछ ऐसा ही था, जिसके चलते उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी भावुक हो गए। तो आज इस खबर का हम एक्सरे करेंगे और बताएंगे इस खबर की एक एक डिटेल। Tried yesterday, when some members sat on the table, some others climbed on the table of the House. I have no words to convey my anguish and to condemn such acts. As I spent a sleepless night, last night, I struggled to find out the provocation or reason for forcing this august House. You can't force the government to do this or not to do this. तो ये कुछ आलम था राज्यसभा का। इसके अलावा लोकसभा की भी बात करें तो हंगामों से भरपूर रहा सदन। लोकसभा का सबसे कम प्रोडक्टिव सेशन रहा, जरा ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 6 सेशन हुए हैं। 2019 के बाद चौथी बार सदन की अवधि कम कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही कुल 21 घंटे तक चली। 2016 के बाद ये सबसे कम प्रोडक्टिविटी वाला सत्र है। लोकसभा में हुई कुल 17 बैठकें। इसके अलावा राज्यसभा का हाल, हालांकि हमने आपको दिखाया भी कैसा रहा और बताते हैं। राज्यसभा में कुल 28 घंटे की तक कार्यवाही चली। राज्यसभा में प्रश्नकाल के लिए तय समय का 25% ही इस्तेमाल हुआ। सदनों में केवल 20% सवालों के जवाब दिए गए। राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी कुल 29% ही रही। हंगामे के चलते स्पीकर वेंकैया नायडू भावुक तक हो गए। तो ये कुछ हालात रहे लोकसभा और राज्यसभा के। जनता की जेब से कितने पैसे कटते, क्योंकि जनता की जेब से ही ये चलते हैं। मानसून सत्र में हंगामों के कारण 216 करोड़ रुपये पानी में बह गए। सत्र को चलाने के लिए हर मिनट की लागत 2.5 लाख से ज्यादा, हर मिनट की लागत बता रहे हैं आपको। राज्यसभा लोकसभा को मिलाकर 193 घंटे का कामकाज होना था, सिर्फ 39 घंटे में का ही कामकाज हो सका। 2010 में था सदन का सबसे खराब प्रदर्शन। तो एक तो जनता की जेब से पैसे जो सदन चलते हैं, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा, जनता की जेब से ही ये चलते हैं, हमारा ही पैसा जाता है, मतलब जनता का ही पैसा जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये पैसा पानी की तरह बहा। 219 करोड़ पानी की तरह बह गया, एक मिनट पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो ये हमारी आज की खबर थी जो बतानी ज़रूरी थी कि क्या कुछ हुआ लोकसभा और राज्यसभा में। मानसून सत्र था, क्या कुछ हुआ, कैसे हंगामे के भेंट चढ़ गया, कितना पैसा बर्बाद हो गया, इस खबर का हमने एक्सरे किया और आप तक पहुँचाई है। अब आगे बढ़ेंगे और हमारी तीसरी खबर क्या है ये आपको बता देते हैं। आज विश्व अंगदान दिवस है, लेकिन अंगदान को लेकर आज भी लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है। इसी का नतीजा है कि जिस हिसाब से भारत में मरीजों को अंगों की ज़रूरत पड़ती है, उससे कहीं कहीं कम अंग उपलब्ध हो पाते हैं। कहा जाता है कि एक इंसान अपने ऑर्गन डोनेट कर 8 लोगों को नया जीवन दे सकता है। इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 13 अगस्त को दुनिया भर में ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। हमारे देश में जागरूकता की कमी और पिछड़ापन इतना है कि देश में हर साल
1.5 लाख किडनी की जरूरत पड़ती है, जबकि महज 8,000 किडनी ही उपलब्ध हो पाती है। आज हम खास तौर पर इस खबर को आपके लिए चुनकर लाए हैं। हम सभी अपने जीवन पर्यंत न केवल अपने कर्मों के द्वारा बल्कि अपने अंगों द्वारा भी समाज की सेवा कर सकते हैं। हमारा जो ये शरीर है, इससे हम कई नई जिंदगियां दे सकते हैं। नेत्र का दान आपको सबको पता है, किडनी पता है, लिवर पता है, ब्लड पता है। तो ये जो अंग हैं, ये कई बार मृत्यु पर्यंत हमारे शरीर से हमारे साथ चले जाते हैं, जिसे हम यूज़ कर सकते थे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे इसकी आवश्यकता थी। हमारे साथ समाज के ऐसे लोग आज आए हैं जो एक समाज के लिए मिसाल हैं, जिन्होंने अपने कई परिजनों से या किसी प्रकार से अंगदान लिया है या दिया है। आज से 5 वर्ष पूर्व मेरा लीवर ख़राब हुआ था, जिसे कि हैदराबाद अपोलो हॉस्पिटल में ट्रांसप्लांट किया गया। अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। अगर किसी को लीवर से परेशानी हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वो इसका उचित उपचार कराएं। अंगदान करने से कोई भी नुकसान नहीं होता, हर आदमी को अंगदान करना चाहिए, इससे जिससे कि दूसरे व्यक्ति का जीवन बच जाए। हालांकि भारत की बात करें तो जागरूकता की बहुत कमी है। आज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेट डे है, तो इसके बारे में जानेंगे भारत में ऑर्गन की डिमांड कितनी है। हर साल ऑर्गन की कमी के चलते 5 लाख लोगों की जान जाती है, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी डिमांड है। इसमें से 2 लाख लोगों की मौत लीवर नहीं मिलने की वजह से होती है। 2 लाख लोगों को लीवर की ज़रूरत पड़ती है। 2018 में भारत में 10,000 से भी कम ऑर्गन डोनेट हुए थे। भारत में किडनी डोनेशन की संख्या सबसे ज़्यादा है। भारत में हर साल 10 लाख में से 5,000 लोग अपना ऑर्गन डोनेट करते हैं, 10 लाख में से सिर्फ 5,000 लोग। इसके अलावा किन किन देशों में सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन होता है, जहाँ से सीखने की भी ज़रूरत है। हर साल दुनिया में 10 लाख में से 80,000 लोग अंगदान करते हैं। ऑर्गन डोनेशन के मामले में स्पेन सबसे ऊपर है। स्पेन में ऑर्गन डोनेशन रेट है 39.6%, यानी स्पेन में हर 10 लाख में से करीब 5 लाख लोग अपना अंग दान करते हैं। अमेरिका में ये रेट 36% के आसपास है, तो स्पेन टॉप पर है। अमेरिका की बात करें तो 36% के आसपास। अब कौन है जो अपना अंग दान कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अंगदान करने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, पहली शर्त। इसके अलावा किडनी, फेफड़ा, लीवर, आंख, आंत, ये हिस्से हैं जिनको दान किया जा सकता है। बीमारी से जूझ रहा व्यक्ति अपना ऑर्गन डोनेट यानी कि अंगदान नहीं कर सकता। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, मेंटली और फिजिकली फिट होने की जरूरत है। किसी के दबाव में आप अंगदान ना करें, तो ये नियम है अंगदान के। लेकिन आज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है, तो इसमें हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर ऑर्गन्स डोनेट करेंगे तो एक शख्स के ऑर्गन डोनेट करने से 8 लोगों की जान बच सकती है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना ज़रूरी भी है, लेकिन जागरूकता की कमी के चलते ये नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो पाता है। तो ये हमको जागरूक होने की ज़रूरत है, इसीलिए ये खबर हम आपके लिए लेकर आए और आपको ये समझाने की भी ज़रूरत और आपको ये बताने की कोशिश कि ऑर्गन डोनेशन कितना ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक्सरे ज़रूर समझ में आया होगा और आप समझे होंगे कि कैसे अंगदान करना है या क्या उसकी शर्तें हैं। और अगर हम बाहर की भी बात करें तो बाहर भी, इंडिया के बाहर भी स्पेन और अमेरिका, स्पेन टॉप पर है, उसके बाद अमेरिका 36% अंगदान करता है। तो ये हमारी आज की 3 खबरें जिनका हमने एक्सरे किया, जो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी हमको लगी, इसलिए हमने आप तक पहुंचाई। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी हमारी ये 3 खबरें। और आज के शो में तो इतना ही, लेकिन फिर आपसे होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ, कुछ और खबरों के एक्सरे के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बाकी खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के।